हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं शूट कर रही थी अपने ग्रीन फूड चैलेंज के लिए, और जिसमें मैं 24 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फूड ही खाऊंगी। मैं जो भी खाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ हरा होगा, और हो सकता है मैं पत्ते वगैरह खा जाऊं, मैं गाय बन जाऊं, या फिर हो सकता है मैं कल तक पेड़ बन सकती हूं, या फिर मैं पूरी की पूरी हरी हो जाऊं। इट्स अ जोक, हा हा हा। सो गाइज, इसी बीच मुझे एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक और वीडियो शूट कर लूँ, और उसी में मुझे आइडिया आया कि मैं ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक छोटा सा DIY आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को रिमूव करने के लिए, और ये वीडियो जो है, ये जो मैं अभी आप लोगों के लिए बना रही हूँ, वो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, आप आज ही देख लोगे। और जो वो ग्रीन फूड चैलेंज वीडियो है वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी पेस्ट, ये नहीं है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सेम किसी पर्टिकुलर कलर का पेस्ट चाहिए, नहीं, आप किसी भी पेस्ट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं करना है, कुछ खास नहीं, नथिंग एक्स्ट्रा नहीं। हम ब्रश करते हैं रोज़, तो इस बार हम अपनी दांतों को ब्रश नहीं करेंगे, हम अपने नोज़ पे ब्रश करेंगे। टा 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 टा, तो कुछ नहीं करना है, इस पेस्ट को हमें लेना है ऐसे, ओके। उसके बाद अब इस पेस्ट में मैं डाल दूंगी रोज वाटर, ओके गाइस। तो यहाँ पे मैं हम लोग रोज वाटर डाल लेंगे। रोज वाटर डालने के बाद हमें क्या करना है, इसे मिक्स करना है। ये मिक्स एकदम अच्छे से मिक्स करना है। अब ये मिक्स हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रश लेना है, ऐसे करना है, और इसको ऐसे 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 ब्रश करना है। छी, फिर भी आप एक बार इसे करके देखो, आपको कुछ फर्क दिखेगा। जैसे अभी मैं कर रही हूँ एकदम बिल्कुल ऐसे, थोड़ा आपको फील होगा कि जैसे आप पेस्ट खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रश 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 ब्रश, बट इस बार सिर्फ नोज को ब्रश करोगे आप लोग, देखो ये। बिल्कुल अच्छे से ब्रश करना है आपको, एकदम ये नोज के कोने में, फिर यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, हमें इस पर पेपरमिंट की जो खुशबू है, और जो भी उसकी वजह से मेरे यहाँ बंद हो जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ब्रश कर लेने के बाद अच्छे तरीके से अपने नोज को, फिर आपको इसे वॉश कर लेना है, और अब मैं आपको मिलती हूँ इसे वॉश करने के बाद। गाइस, मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, और आपको अपने पूरे फेस को फिर ऐसे वाइप कर लेना है, और आप देख सकते हो मेरे नोज को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें कोई भी आपको ना ब्लैक हेड्स दिख रहा होगा ना ही वाइट हेड्स। सिंपल, बस इतना ही सा था। अब इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है अपने पूरे फेस पे, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कौन सा मॉइस्चराइजर, ये है फ्रूट ऑफ द अर्थ फेयरनेस जेल विथ लिकोरिस एंड एलोवेरा विथ SPF 14, ओके गाइस। राजा, इसका कोई कलर नहीं है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और अभी पेस्ट से ऐसे ब्रश ब्रश करने के बाद अब पूरे नाक पे मुझे ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, बिल्कुल कूल 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 तक, क्योंकि उसमें पेपरमिंट होता है ना।
और यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हैं। और आपको मेरे नोज़ पे बिल्कुल कोई ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी नहीं दिख रहे होंगे गाइस। अगर आप इसे वीक में एटलीस्ट 2 times यूज़ करते हो तो आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और जो भी ब्लैक हेड्स आपके पहले से हैं ये उसे रिमूव भी कर देगा। आप एटलीस्ट एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। बाय, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।